हेलो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 29 अप्रैल से हैं। एग्ज़ाम किस किस का होना है? बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की एनईपी डेट शीट जारी हो गई है। आइए दिखाते हैं कि डेट शीट क्या है, उसमें क्या क्या दिया गया है टाइम टेबल। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी अभी बताया था, एग्ज़ाम शेड्यूल एनईपी जारी हो चुका है और एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आपकी 29 अप्रैल से यानी सैटरडे से स्टार्ट हो रही है। इसमें किस किस का एग्ज़ाम होना है ये भी दिया गया है। ये टाइम टेबल शीट है, ये शेड्यूल है जिसमें बताया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का एग्ज़ाम डेट जारी हो गई है। इसमें टाइम टेबलिंग मीटिंग है, फर्स्ट टाइम टेबल में है। फर्स्ट टाइम टेबल किस किस का एग्ज़ाम है? एम एस सी एम ए का, यानी सेवन सेमेस्टर। सेवन सेमेस्टर का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर, ये ना समझ आए कि सेवन सेमेस्टर कहाँ से आ गया। ये सेवन सेमेस्टर को ही फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं, जिसमें एग्ज़ाम डेट शीट दी गई है जो कि आपका टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पेपर होगा। पहला पेपर किसका है? एम ए का है। एम ए में सब्जेक्ट कौन सा है? एनालिटिकल स्टडी ऑफ रेक्स टेलस, यह पहला पेपर है। इसी प्रकार से बी एस सी सेकेंड मीटिंग में टाइम टेबल है 11 बजे से 2 बजे तक। बी एस सी बी कॉम और बी ए के थर्ड पेपर है, इस सेकेंड मीटिंग में होगा। और थर्ड मीटिंग में होगा बी एस सी बी कॉम बी ए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे जो कि 3 बजे से 6 बजे तक चलेंगे। आइए देखते हैं कि निर्देश क्या दिया गया है, नोट में क्या है, नोट में क्या दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम का अवलोकन करने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ें तथा तदनुरूप ही परीक्षा में सम्मिलित हों। नंबर एक, यह परीक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम एवं पर स्नातक स्तर की परीक्षा एमए, एमएससी, एमकॉम सप्तम या प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए निर्गत किया गया है। नंबर दो, उक्त परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित स्नातक एवं पर स्नातक स्तर के स्तर पर प्रत्येक विषय की परीक्षा मेजर या माइनर लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें यह दिया गया परीक्षा किस आधार पर होगी और जेब टेक होगी या लिखित होगी, इसमें साफ साफ दिया गया है कि परीक्षा होनी है वो लिखित रूप से होगी। उक्त परीक्षा की समयावधि 3 घंटा होगी। नंबर तीन, उक्त परीक्षा में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर चार, उक्त परीक्षा में अंक सुधार हेतु छात्र उक्त परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर पाँच, स्नातक स्तर की प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में कोरिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा ओएमआर सीट पर आधारित होगी जिसकी समय सीमा 2 घंटा होगी। ये सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे मेंशन होगा, परीक्षा कैसे, कौन सी ऑब्जेक्ट होनी है और कौन सी लिखित परीक्षा होनी है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या दिया गया है। वैसे हमने इसकी जो लिंक है, जो वेबसाइट की लिंक है, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसका सिलेबस क्या है, हमने सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस हमने किस किस का दिया है? एम एस सी फिजिक्स, एम एस सी केमिस्ट्री, एम एस सी मैथ, एम ए हिंदी, एम ए एजुकेशन, एम ए साइकोलॉजी का। इनकी जो सिलेबस लिस्ट है, जो सिलेबस की लिंक है, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे एमएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पर, एग्ज़ाम पर कि एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कब से होना है। वैसे एग्ज़ाम 29 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, इसमें सब में एम ए दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें 29 अप्रैल को एमएससी का पेपर नहीं है। इस सेकंड पीडीएफ सेकंड पेज पर हम देख रहे हैं कि कौन सा एमएससी इसमें है, इसमें एमएससी नहीं है, सब एमए के ही एग्ज़ाम हैं। सभी जो एमए के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इसमें अपना सेमेस्टर देख कर अपना सब्जेक्ट मिलान करके देख सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब से होना है। थर्ड में देख रहे हैं, थर्ड में भी एमए के ही एग्ज़ाम हैं, एमए बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हमें देखना है एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पेपर कब से है। तो हम आ रहे हैं अगले पेज पर।
आप इसे वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, हमारा एग्ज़ाम कब से है उसमें आसानी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ आपको लिंक से डायरेक्ट वहीं पहुंचा देगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एमएससी का पेपर कब से है, तो एमएससी का पेपर स्टार्ट हो जाता है 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाता है। तो एमएससी में पहला पेपर किसका है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है ये स्टैटिक्स फर्स्ट पेपर, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। यहाँ से एमएससी का ये पेपर स्टैटिक वाला स्टार्ट है। हम देखना है फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला पेपर मिल चुका है। इसे साइड में कर लें, ये रहा फिजिक्स का पेपर है 25 तारीख को, एमएससी फिजिक्स 25 को है, ये रही डेट। एमएससी जूलॉजी मैथ का फर्स्ट पेपर है, और यहाँ पर एमएससी जूलॉजी फर्स्ट पेपर, एमएससी बॉटनी, एमएससी फिजिक्स फर्स्ट पेपर, बात कर रहे थे एमएससी फर्स्ट की फिजिक्स की। तो पहला पेपर एमएससी का 25 मई को है, कब है, 25 मई थर्सडे को है, जो एमएससी का, एमएससी फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स। सेकेंड पेपर है 27 तारीख को, 27 तारीख को क्लासिकल फिजिक्स है, जो कि सेकेंड पेपर है। 27 के बाद को 29 को पेपर नहीं है, एमएससी में चार पेपर होने हैं, एमएससी फिजिक्स के चार पेपर होने हैं। तो अगला हम देखते हैं, दो पेपर तो इसमें हो गए, एक 25 को एक 27 तारीख को, अगला पेपर कब है। तो अगला पेपर है, आइए देखते हैं कि अगला पेपर हमारा, थर्ड पेपर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि 30 तारीख को है, 30 मई को है। और चौथा पेपर है हमारा, चौथा पेपर दिया गया है हमारा 31 मई में, तो 31 मई में ये हमारा पेपर दिया गया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी फिजिक्स का चौथा पेपर है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जो कि 31 तारीख को है। एमएससी फिजिक्स का पेपर 25 तारीख को, 27 को और 30 और 31 को है, यानी कि मई में ही पेपर पूरे हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो देखने के लिए। हमने इसके सिलेबस की लिंक भी दे रखी है, आप इस शेड्यूल को भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।